क्या फैक्ट्री मकान सारा ही गया थोड़ा खुले खुले हो जाओ, थोड़ा खुले खुले हो जाओ। जितनी भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे अभी नहीं तो आगे चलते ये हालत हो जाती है। वहाँ पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका जो है पूरी तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ करके सड़कों पर मारा काटा जा रहा है, और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में जो है वो एक तरह की वो चपेट में आ जाते हैं। तो वो इस्लामिक रिपब्लिक में अनफॉर्चुनेटली ये जो है इसीलिए जो सनातन का जो दिया है वो पूरे विश्व में जो है वो चलना चाहिए, और सनातन का परिचय पूरे विश्व ये हमें सीख मिलती है, ये हमें सीख मिलती है। और जो जो हमारे आसपास भी इस तरह के लोग हैं जो देश को भटकाने के लिए, देश को अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देते, हमें उनसे भी सतर्क रहना है। और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है, हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है, और हमारे देश में जो है जो प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो पूरा विश्व देख रहा है कोई अंतर्राष्ट्रीय, और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। पूरे देश को जो है इस चीज़ की जो है वो एक वो होनी चाहिए।